देखिए बाबा ताज के दरबार पे किन्नर समाज की तरफ से चादर आ चुकी है माशाल्लाह। ये देखिए बाबा ताज दिन का संदल आ चुका है। ये हमारे नागपुर शहर के मालक सपना गुरु की चादर चाहूंगा कि ये जो शेर बनते हैं ये शेर क्यों बनते हैं लोग। सभी को अल्लाह ताला खुश रखे, सभी की मुरादें पूरी करे, सभी के बच्चे जीते रहे, सभी की मन्नतें मुरादें पूरी हो। और लास्ट में एक चीज जानना चाहूंगा कि आपके साथ बाबा ताज ने क्या करामतें करी है जो आप लोग चादर लेके बड़ी धूमधाम से आते हैं। बाबा ताज का बहुत करम है हमारे। بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज के ब्लॉग में रही है कि जैसे कि आपको पता है बाबा ताज की बारगाह पे हर जगह से चादर आती है। जबलपुर वालों की चादर आई थी, हसन हुसैनी सोसाइटी वालों की, जो चांदी का हार आया था माशाल्लाह 250 किलो का, और अब किन्नर समाज की चादर आ रही है यहाँ पे माशाल्लाह। तो चलो चलते हैं, कहाँ पर चादर पहुँची वो आपको दिखाते हैं, किन्नर समाज की चादर और पूरा माहौल दिखाएंगे माशाल्लाह। हमारे गुरु के घर से अभी हो गया नहीं तो उनको उनको 20 से 25 साल। हाँ। और 20 से 25 साल और इस साल 100वां सालाना उर्स है, तो उसके मौके में हमने बहुत बहुत हर्ष और उल्लास से सरकार ताजुल औलिया की चादर निकाली गई है। और तय दिन से हम सभी के लिए दुआ करते हैं कि अमन रहे, चमन रहे, खुश रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कितने बजे पहुँच जाएगा? ये अभी यहाँ से 1 से 2 घंटे के अंदर में चादर दरबार शरीफ तक पहुँच जाएगी। Thank you.
चादर लेके आते हैं? नारा पे। नारा से? अच्छा, कितने बजे चादर आपकी पहुंच जाएगी? कितने बजे चादर पहुंच जाएगी आपकी? 10 बजे। 10 बजे? 10 बजे। समाज की तरफ से अभी चादर आने वाली है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अरे अरे चलो, माशाल्लाह किन्नर समाज की तरफ से चादर आने वाली है। हम बता दी देख सकते हो माशाल्लाह की बार गाय और ये देखिए मोहन सुमान हमारे भाई लोग मदद कर रहे साथ में। Thank you.
कौन निकालते हैं चादर? ये चादर निकालते हैं हमारे सपना साधु चमचम गुरु जी, बताइए। ये हमारे नागपुर शहर के मालक सपना गुरु की चादर है। हाँ। मैं उनका चेला बेहो जाग। तो कब से निकलती है ये चादर? ये आज हमारे 4-5 साल से निकलती है। ठीक है, तो ये कितने समय से आपकी चादर निकलती हुई आ रही है? 5 साल से निकलती हुई आ रही है। और हम 5 साल से ये कहना चाहते हैं बस एक नागपुर के वासियों को बस ऐसे ही नमस्ते रहे और उनके लिए हम दुआ करते हैं।
गरीब नवाज़ करो गरीब नवाज़ी मेरे गरीब नवाज़ करो गरीब नवाज़ी मेरे गरीब नवाज़ मेरे लगाते आला तकाब हो जाए नमाज़ मेरी पढ़ा दे अगर गरीब नवाज़ नमाज़ मेरी पढ़ा दे अगर गरीब नवाज़ किस्मत के बदल दे मेरे तुझे मेरे समाज की तरफ से चादर आई है। ये देखिए नागपुर वालों की चादर आ चुकी है। ये देखिए किन्नर समाज की तरफ से चादर आ चुकी है बाबा ताज में। Thank you.
सरकार का इस्तेमाल करता हो, स्वागत करता हो, उसी तरीके से यहाँ पे कई दिन से शुक्रगुजार हो कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। आप सदर बनाए जाए और जो सदर यहाँ पे रोकने की समाज की तरफ से चादर निकली है और बाबा ताज में पेश हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग चादर कब से निकालते हैं और क्या मान्यता है आप लोगों की, जी बताइए। हमारी चादर 100 साल की है, करीब अभी 100 साल हो गए आज। हाँ, ये 100 साल का मुझे। अच्छा, तो आप लोग कब से चादर निकाल रहे हैं? 100 साल परंपरा चल रही है, हमारे बुजुर्गों की परंपरा चल रही है पुरखों से। अच्छा, पीढ़ी पे पीढ़ी, पीढ़ी पे पीढ़ी। क्या मान्यता है आप लोगों की? 2 मिनट चाहिए। क्या मान्यता है? बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, दे रहे वालों के मालिक सभी को जीते रहे, सभी के बच्चे जीते रहे, हमारी आशा है बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में एक चीज जानना चाहूंगा कि आपके साथ बाबा ताज ने क्या करामतें करी है जो आप लोग चादर लेके बड़ी धूमधाम से आते हैं? बाबा ताज का बहुत करम है हमारे ऊपर, उसकी वजह से रोजी रोटी मिलती है हमें, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, और जो वीडियो देख रहा है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? जो देख रहा है सभी को अल्लाह ताला खुश रखे, सभी की मुरादें पूरी करे, सभी के बच्चे जीते रहे, सभी की मन्नतें मुरादें पूरी हो, और आप लोगों का काम है दुआ करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आप लोगों का? मेरा नाम रूबी। मैं सना खान, दुर्गा सिंह, योजना कुमारी। ठीक है, तो इसी तरीके से चादर लाते रहेंगे, बाबा में चढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भैया, हमारे वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ पे जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो दुआ का काम करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे दुआ का काम ही कर रहे हैं, और ये देखिए जितने भी बच्चे हैं इनको दुआ कर रहे हैं। चला आते हैं चौके, तो करो एक
ये देखिए इनका माशाल्लाह देख सकते हो, दुआ कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जो यहाँ पे चादर आप लाते हैं, आपकी मान्यता क्या है? हमारी मान्यता यही है कि सारा संसार सुख से रहे। ठीक है, बहुत बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चाहूंगा कि ये जो शेर बनते हैं, ये शेर क्यों बनते हैं लोग? बाबा जान के जो शेर जो थे, बाबा जान के कदमों को चूमते थे, इसलिए उनके यादों में उनके अनेक याद ताजा करने के लिए लोग इन्हें खुशी में बनते हैं। अच्छा, तो पहले जो बाबा जान जिंदगी हयाती में शेर उनके पैर चुमा करते थे, आते थे, प्यार करते थे, इसीलिए माशाल्लाह यहाँ पे शेर बन के लोग परंपरा को निभाते हैं। काफी खूबसूरत बड़ा चंदन है ये।